लखीमपुर खीरी तिकुनिया कांड में 14वें आरोपी बनाए गए केंद्रीय मंत्री टैनी के साले को कोर्ट ने दी जमानत। यूपी चुनाव 2022 प्रत्याशी चयन के लिए कल दिल्ली में होगी भाजपा नेताओं की बैठक, मुख्यमंत्री योगी होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार बताने वाली याचिका खारिज, अदालत ने लगाई फटकार। अमेरिका रेल पटरियों पर क्रैश हुए विमान से नहीं निकल पाया पायलट और सामने आ गई ट्रेन, फिर पहुंची पुलिस। और स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह विमान कैलिफोर्निया के ही पैकोइमा से उड़ा था और कुछ दूर जाकर तकनीकी खराबी के कारण रेल पटरियों पर क्रैश हो गया था। रेड कानपुर में छापामारी, डीजीजीआई की टीम ने शिखर पान मसाला के कार्यालय में मारा छापा। पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस की पहली उम्मीदवार बनी सोनू सूद की बहन मालविका, पार्टी में शामिल होते ही मिली टिकट। उत्तराखंड 27 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने से रोपवे बंद, ओली घूमने आए पर्यटक हुए परेशान। मध्य प्रदेश अन्नदाता की करुण गुहार, शिवपुरी में पूर्व विधायक के पैरों में गिरकर ओला पीड़ित किसान ने मांगा मुआवजा, छतरपुर में ड्रोन से खराब फसलों का सर्वेक्षण शुरू। इमरान मसूद ने की सपा में जाने की घोषणा, कहा कांग्रेस ने दिया पूरा सम्मान, अब करेंगे अखिलेश का समर्थन। भाजपा को झटका, बदायूं जिले के बिलसी से विधायक राम कृष्ण शर्मा सपा में शामिल। फरवरी से विधानसभा चुनाव का आगाज होना है, ऐसे में एक विधायक का भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका है।